छोर से दूसरे कोने तक तबाही मचाने वाली एटमी मिसाइलों की खेप। आकाश से पाताल तक खाक में मिलाने वाले हथियारों का जखीरा। टैंकों और तोपों की इस बारात को देख लीजिए और इतना समझ लीजिए कि जिस दिन उत्तर कोरिया के तानाशाह का माथा सनका, उस दिन दुनिया स्वाहा। ये उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। लेकिन इन तस्वीरों का खौफ अमेरिका से जापान तक महसूस किया जा सकता है। मौका नॉर्थ कोरिया की फौज के 75वें जलसे का था। इस मौके पर प्योंगयांग के मिसाइल वाले सनकी ने दुनिया की तबाही के मंसूबे का सबसे नया सबूत पेश कर दिया। जैसे जैसे एटमी मिसाइलों का काफिला आगे बढ़ता गया, तिकड़मी तानाशाह के चेहरे की चमक उतनी बढ़ती जाती। परेड में नॉर्थ कोरिया की न सिर्फ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को दुनिया के सामने लाया गया, बल्कि तबाही का दूसरा नाम एटमी मिसाइलों से भी दुश्मनों को डराया गया। बात इतनी सी ही नहीं, नॉर्थ कोरिया ने पहली बार सबसे बड़ी ICBM 11 हाउसोंग 17S को दिखाया। दावा किया जाता है कि यह मिसाइल दुनिया के हर कोने पर हमला कर सकती है। खास बात यह है, हाउसोंग 17 का परीक्षण पहली बार 2022 में किया गया था। किम जोंग 36 दिनों के बाद दुनिया के सामने आए। खास बात ये, तानाशाह अपने पूरे खानदान के साथ दुनिया को खौफ जदा करने वाला तमाशा देखने आया था। पहली बार किम जोंग उनकी बेटी जू एई की तस्वीर भी दुनिया के सामने आई। जू एई फिलहाल 9 साल की है, लेकिन माना जा रहा है किम की तानाशाही वाली विरासत को आने वाले दौर में जू एई संभालेगी। रिपोर्ट के मुताबिक परेड से पहले किम जोंग उन ने अपने जनरलों के साथ सीक्रेट मीटिंग की, जिसमें नई मिसाइलों के परीक्षण के साथ ही युद्ध की तैयारियों को लेकर निर्देश दिए। सवाल यह है, क्या उत्तर कोरिया युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या सनकी तानाशाह ने एटमी जंग की तैयारी कर ली है? इन सवालों का जवाब प्योंगयांग की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है, जिसने दुनिया के दादा अमेरिका से लेकर जापान तक को टेंशन दे दी है। जिस तरह से किम जोंग उन ने एटम बम दागने वाली मिसाइलों की नुमाइश की, उसने व्हाइट हाउस को इशारा दे दिया, क्योंकि उत्तर कोरिया का दावा है कि यह मिसाइल अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को आसानी से भेद सकती है। लेकिन सवाल है, तानाशाह अमेरिका पर अटैक का ऑर्डर दे सकता है? सनकी कुछ भी कर सकता है।